अब इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉपरली और भी किस्म के प्लॉट्स बना के देखेंगे आर के अंदर कितनी किस्म के प्लॉट्स हैं वो भी हम सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स के ऊपर और आज के जो लेक्चर्स होंगे इनके अंदर आप मल्टीपल किस्म के प्लॉट्स जो हैं वो ईज़िली बनाने सीख जाएंगे एंड यू कैन एक्चुअली सेव दैम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स ठीक है स्क्रीन आपके सामने है और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आर स्टूडियो ऑन करता हूँ आर स्टूडियो जैसे मैं ऑन करूँगा और आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी कि देर वॉज एन इशू येस या कल वाले लेक्चर या पिछले लेक्चर के अंदर जो इशू था वो क्या था हमारे पास यहाँ पे आर स्टूडियो ओपन होता है अगर आप गौर करें हमारी डायरेक्टरी के अंदर आर ट्रेनिंग में अगर हम जाएं बेसिक्स के अंदर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है वी मेड दिस प्रोजेक्ट इन बेसिक्स ठीक है जिस वजह से हमें बार बार वर्किंग डायरेक्ट्री का इशू आ रहा था समझ आई बात की हमने जब स्टार्ट में प्रोजेक्ट बनाया दिस वॉज इन बेसिक्स तो हम क्या कर सकते हैं नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो प्लॉटिंग के अंदर होगा ठीक है और हर प्रोजेक्ट आप सेपरेटली सेव भी कर सकते हैं सो so, इस वजह से कल वाले लेक्चर के अंदर हमें बार बार वर्किंग डायरेक्टरी का इशू आ रहा था तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं अपना जो पहले वाला प्रोजेक्ट है उसे भी ओपन कर सकते हैं डू सम अदर थिंग्स तो अगर मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँ ठीक है देखिएगा न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया इट विल टेक सम टाइम बट इट विल आस्ट के एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी की न्यू डायरेक्टरी मैं बोलूँगा एग्जिस्टिंग क्योंकि हमारे पास पहले से मौजूद है आई विल जस्ट सेलेक्ट दट डायरेक्टरी फ्रॉम ब्राउज़ गो बैक एंड प्लॉटिंग के अंदर जाके ये दो प्लॉटिंग की डायरेक्टरी हमने ओपन कर ली ठीक है अब अब आप इसको अगर न्यू सेशन में ओपन करना चाहते हैं यू विल क्लिकर ठीक है here, अगर आप सेम सेशन में ओपन करना चाहते हैं यू विल अनचेक दिस तो ये ऑलरेडी अनचेक है मैं इसको न्यू सेशन में ओपन करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ एंड यू विल सी कि ये हमारे पास अब जो प्रोजेक्ट है वो प्लॉटिंग की डायरेक्टरी के अंदर ठीक है अब हमारे पास दो विंडोज आर की ओपन हो गई हैं एक ये वाली है बेसिक्स की और ये वाली है हमारे पास प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट की एंड यू कैन सी योर प्रोजेक्ट हियर दिस इज सेकंड प्लॉटिंग एंड यहाँ पे जो मेन चीज है आपके पास जो फाइल्स हैं फाइल सिर्फ और सिर्फ जो प्लॉटिंग के अंदर मौजूद है वही शो होंगे यहां पर ऑफकोर्स यू कैन क्लिक हेयर एंड गो बैक और यू कैन क्लिक ऑन द फोल्डर एंड गो फॉरवर्ड बट नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है मैं बेसिक्स वाले को बंद करूंगा यहाँ से बिकॉज वी आर वर्किंग इन प्लॉटिंग तो ये एक चीज आपके सामने आ गई कि अब हम प्लॉटिंग के अंदर काम कर रहे हैं ठीक है अब हमने क्योंकि पाई चार्ट काउंट चार्ट और देर आर मेनी अदर चार्ट जो हमने बना लिए हैं अब आपको यहाँ पे कितनी किस्म के प्लॉट्स होते हैं वो पहले हम देखते हैं फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको हम बना सकते हैं सो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड्रियो अबेला अगेन बार बार मैं आपको इस वजह से इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो गाइड है दिस इज रियली नीडेड ठीक है अब आप अगर गौर करें मैंने आपको बताया था कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप कोर्स आप रोटेट भी कर सकते हैं आप डाउन जिधर भी करना है वो कर सकते हैं दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्लॉट है हिस्टोग्राम है लाइन हिस्टोग्राम है स्कैटर प्लॉट है और फिर हमारे पास थ्री डी एरिया चार्ट है तो चार प्लॉट्स ये हो गए पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस अगर आप इन सभी प्लॉट्स को देखें और बारी बारी इनको प्रैक्टिस करते जाएं, यू विल हैव एट ट्वेंटी वन प्लाट्स ठीक है ऑफ कोर्स कॉलम चार्ट बार चार्ट मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं बट देन यू कैन सी कि किस तरीके से बनाना है अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के प्लॉट से स्टार्ट करें फिर हम कंपोजिशन की तरफ जाएं या कम्पोजिशन से स्टार्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन कम्पेरिजन रिलेशनशिप की तरफ जाएं देन इट विल मेक सेंस टू नो द प्लॉट्स ठीक है अब हम चलते हैं कंपोजिशन की तरफ और हमने कल जो है वो पाई चार्ट ऑलरेडी बना लिया था ऐसे ही है?

तो ये कंपोजिशन के प्लॉट्स हैं आपके सामने ये आ रहे हैं आप यहाँ पे इसी कोड को स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द सेम कोड ठीक है एंड इट विल हेल्प अस कि किस तरीके से ये काम होना है सेकेंडली आप यहाँ पे प्लॉट का नाम लिखेंगे चैट जी पी टी पे एंड देन यू कैन आस कि ये वाला प्लॉट कैसे बनना है से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लॉट जो है मेरे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट ये बेसिकली फ्यू पीरियड्स के हैं मैनी पीरियड्स ये है चेंजिंग ओवर टाइम हम स्टैटिक को देखते हैं पहले वाटरफॉल चार्ट ठीक है मैं यहाँ पे चैट जी में लिखता हूँ आई वुड लाइक टू क्रिएट अ वाटर फॉल चार्ट प्लीज़ शो मी द कोड फॉर एग्जाम्पल डेटा ठीक है ऑफ कोर्स चैट जी पी फोर जो है ये बेसिकली आपको बताएगा अच्छा मैंने आर का नहीं बताया इसे दैट्स माय मिस्टेक एंड यूजुअली ये पाइथन के ऊपर काम करता है इन इन आर तो मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ सी हमारे पास आर का कोड आता है कि नहीं आता लेट्स सी सो पे वो कह रहा है कि वाटरफॉल्स की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें एंड देन यू कैन क्रिएट दैट प्लॉट इजीली तो हम क्यों ना यहीं पे जाके पैकेज देख लें वाटरफॉल्स वाटरफॉल्स आर पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेज है वाटरफॉल चार्ट इन जी जी प्लॉट टू भी बन सकता है बट पैकेज भी है हमारे पास सो दिस इज द पैकेज आप अगर इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे देन यू यू विल हैव सम काइंड ऑफ नो इन साइड लाइब्रेरीज़ के ये किस तरीके से काम करता है ऑन दी अदर साइड यू कैन क्रिएट वाटरफॉल चार्टूजिंग जी जी प्लाट टू एंड देर आर मेनी अदर वेबसाइट्स जो इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि कैसे बनाना है ठीक है और ऑफ कोर्स वो आपको डिफरेंट किस्म के प्लॉट्स बनाने की भी uh, बातें करते हैं कि ये देखें जी वाटरफॉल्स है इस लाइब्रेरी को आप लें फिर डी एफ इसके अंदर रख दें तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वाटरफॉल चार्ट बन जाएगा ठीक है सो आप टोटल का भी बना सकते हैं एंड देन यू कैन डू सम अदर थिंग्स तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं एक ही काम को करने के आई वुड रिकमेंड गोइंग विद द वाटर फॉल्स क्योंकि ऑफकोर्स जितनी भी प्लाटिंग की लाइब्रेरीज हैं वो यूजली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बिल्ड अपॉन जी जी प्लॉट टू ठीक है मैं यहाँ पे इसको चार्ट को नाम देता हूँ कंट्रोल एज करके जीरो फोर वाटर फॉल चार्ट ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहला जो काम हमने करना है आई विल इंस्टॉल डॉ पैकेज और यहाँ पे वॉटर फॉल जो पैकेज का नाम है वॉटर फॉल्स उसको मैं लिखता हूँ एंड यूजली ये पैकेज जो है हमारे पास इंस्टॉल हो जाना चाहिए अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली सर्चिंग फ्राम द रेपजिटरीज ठीक है ये मेरे पास आ गया अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल डेटा उसने बताया चाइट जी पी टी नम अदर थिंगज एज वेल तो हमारे पास कई तरीके कार होते हैं किसी एक डेटा को बनाने के एंडन उसके ऊपर इजिली वाटरफॉल चार्ट बन जाएगा मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ जस्ट टू शो यू कि कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ पर करता हूँ लाइब्रेरी और मैंने गिठप को बंद किया हुआ है इस वजह से आपको अब सजेशन्स नज़र नहीं आएंगे जस्ट टू शो यू के आप खुद से कोडिंग देख के भी कर सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू यूज़ गिठप को पायलट समटाइम्स ओके जी तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जी वो सारे का सारा कोड जो मुझे दिया गया और मैं आपको कोड वन बाई वन स्टेप समझाता हूँ ये ऑफ कोर्स मैंने ये इंस्टॉल कर ली हुई है लाइब्रेरी और लोड भी कर ली है डेटा हमारा ये वाला बन गया ठीक है और डेटा फ्रेम की कमांड अगर आप लगाएं तो खुद से भी दो वेक्टर्स को मिला के डेटा बना सकते हैं ठीक है डेटा फ्रेम क्या होता है एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है या आप कह सकते हैं कॉलम्स एंड रोज ठीक है rows, तो अगर आप इसको गौर से देखें डेटा फ्रेम का फंक्शन लगाएं एक आपके पास कैटेगरी का कॉलम है जिसमें ये वैल्यूज हैं और दूसरा आपके पास वैल्यू का कॉलम है जिसमें ये वैल्यूज हैं समझ रहे हैं बात को सो so ये अगर मैं इस कमांड को रन करता हूँ मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ जाएगा राइट साइड पर यहाँ पे विच लुक्स लाइक दिस सिंपल तो ये हमने एक एग्जाम्पल डेटा बनाया जस्ट टू गिव यू एन आइडिया राइट अब हमने क्या करना है डेटा की वैल्यू एन रो डेटा की बेस पे सम कर लेना है अब ये क्या करेगा जो वैल्यूज है ना हमारे पास ये वाली अगर आप गौर करें ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं ठीक है थीके? अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आती है कैलकुलेट द एंडिंग वैल्यू मैं इसको रन करता हूँ एंड वी विल सी कि हमारे पास वैल्यू के अंदर क्या आया एंड जो था वो पहले जीरो था अब तेरह हो गया समझ रहे हैं बात को मैं दोबारा से आपको दिखाता हूं यहां पे ये वाला हमारे पास डेटा था आप देखें एंड की वैल्यू जीरो है लेकिन हमने क्या किया इन सभी को सम करके एंड की वैल्यू यहां पे डिफाइन कर ली ठीक है देट समथिंग हियर और यह क्यों की है उसकी रीजन यह है कि यहां पे लेट्स ज्यूम वी हैव द फॉलोइंग डेटा स्टार्टिंग वैल्यू ये है रेवेन्यू इतना है कॉस्ट इतनी है टैक्सेज इतने हुए प्रॉफिट इतना हुआ एंड पे आपके पास क्या सोल्यूशन बचा ठीक है सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेटा आप इसको खुद से भी बना सकते हैं या आप खुद मतलब अगर स्टार्ट ही इस डेटा से करना है यू कैन ऑल्सो डू दैट तो मैं इसको थोड़ा सा अमेंड कर लेता हूँ वो कैसे मैं यहीं पे जो एंड वैल्यू है वो भी लिख देता हूँ विच इज माइनस है ना विच इज थर्टीन हंड्रेड वन थ्री जीरो जीरो और मैं ये वाली कमांड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो एंड वाली कमांड चली थी सो दिस इज़ फाइन द डेटा इज फाइन अब हम क्या करेंगे वाटरफॉल की कमांड लगाएंगे वैल्यूज बताएंगे कि कहाँ पे हैं एंड लेबल्स बता देंगे कहाँ ये ले लेजिए प्लॉट बन गया और अगर आप गौर करें जी जी प्लॉट टू की लाइब्रेरी के बेस पे नहीं बन रहा अगर गौर करें इस पर और वाटरफॉल का मतलब पता है क्या है दोनों साइडों पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं यानी कि टोटल में से कैसे चीज़ें फॉल कर रही हैं या ऊपर जा रही हैं ठीक है अगर हम स्टार्ट रेवेन्यू देखें तो हमारे पास इतना था फिर उसमें रेवेन्यू स्टार्टिंग वैल्यू ये थी फिर रेवेन्यू ऐड हुआ टोटल ये हो गया फिर इसमें से नीचे आ गया फिर इसमें से और नीचे आ गया फिर 200 सौ ऐड हुआ एंड बाई ये बचा समझ रहे हैं स्टेप बाई स्टेप वाटरफॉल इज दैट क्लियर ईजी है ना सो वॉटरफॉल के लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से चल रही हैं ठीक है प्लस माइनस ईच एंड एवरीथिंग अब ये होता है जी वाटरफॉल चार्ट एंड इसको आप आसानी से बना सकते हैं लेकिन वाटरफॉल चार्ट बनता कब है कहां पे बनाना है आपने जब आपके पास स्टैटिक कंपोजिशन हो डेटा की लेकिन अकोमोलेशन और सब्ट्रैक्शन टू टोटल हो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं नॉट लाइक दैट बट लाइक दिस ये देखिए स्टैटिक वैल्यू हो बट अकोमोलेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टोटल हो हर डेटा पे नहीं बनेगा ये यू हैव टू मेक दिस बेस्ड ऑन योर अकोमोलेशन और स्ट्रैक्शन वैल्यू समझ आ गई बात की सो यू नीड टू हैव समथिंग लाइक स्टार्ट ऑफ द ईयर आई हैड दिस मच मनी एंड लेटर ऑन आई हैड दिस मच मनी एंड लेटर ऑन आई आई स्पेंड दिस मनी एंड देन आई स्पेंड अगैन तो एंड पे हमारे पास बच जाएगा ये वाला डेटा इसकी एग्जाम्पल मैं ये भी देता हूँ आपको ईदी कितनी इकट्ठी हुई इतनी हुई हजार रुपया होगी जस्ट एग्जाम्पल दूसरे दिन आपने कितनी इकट्ठी की पाँच सौ तीसरे दिन कितनी की तीन सौ टोटल हो गया अठारह सो अब इसमें से आप कितने खर्च रहे हैं लड्डू खट्टे कितने के खा लिए गोलगप्पे कितने के खा लिए और या पिज्ज़ा कितने का खा लिया समथिंग लाइक दैट तो हर लेवल पे हम देख रहे हैं सो जस्ट इमेजन फ्राई नान खा लिया आपने समोसे पकोड़े खा लिए ठीक है ऐमी कीमा करवाने भेज दिया और अम्मी ने बोला कि पैसे आप दे दो तो मैं बाद में आपको पकड़ाती हूँ सो समथिंग लाइक दैट एट दी एंड आपके पास माइनस या प्लस बचता है दैट्स हाउ यू डील विद इट ठीक हो गया समझ आ गई बात की सो दिस इज हाउ यू डील विद दिस थिंग सो पाई चार्ट क्या था सिम्पल शेयर ऑफ टोटल यहाँ पे है अकोमोलेशन और सब्ट्रैक्शन इन टू टोटल अब ये हर जगह नहीं बनाने बैठ जाना पाई फॉल वाटरफॉल चार्ट यू नीट टू नो के ये कहाँ पर बनेगा समझ रहे हैं अब यहां पर अगर गौर करें यहाँ पे थाउजेंड ऊपर गया फिर फाइव हंड्रेड फिर थ्री हंड्रेड फिर हंड्रेड नीचे आया फिर ऊपर फिर ऊपर ये सारा एंड ठीक है सो दिस इज हाउ यूनिट टू नो कि आपका वाटरफॉल चार्ट कहाँ पर बन रहा है होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वाटरफॉल चार्ट क्या होते हैं और क्यों जरूरी है कहाँ पे बनना है अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं